नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड के चैप्टर फोटोकेमिस्ट्री में फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन के बारे में हमने अध्ययन किया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम और कुछ फोटोसेंसिटाइज रिएक्शंस का अध्ययन करेंगे। पूर्व के वीडियो में हमने देखा था कि फोटोसेंसिटाइज रिएक्शंस क्या होती हैं, उनकी फोटोसेंसिटाइजर जो है उनकी फोटोसेंसिटाइज रिएक्शंस में भूमिका क्या होती हैं और वो किस तरह से कार्य करते हैं। और इसके साथ साथ हमने मरकरी द्वारा फोटोसेंसिटाइज रिएक्शंस देखी थी। आज हम क्लोरीन द्वारा फोटोसेंसिटाइज रिएक्शंस देखें, यानी रिएक्शन फोटोसेंसिटाइज्ड बाय क्लोरीन। क्लोरीन जो है उसकी उपस्थिति में अल्ट्रावायलेट रेज जो है, पराबैंगनी विकिरण जो है, उनके प्रभाव से ओजोन का ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। यानी हम देखें कि जो ओजोन है वो अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में क्लोरीन द्वारा ओजोन में विघटित हो जाता है। ये किस तरह से होता है, इसका मैकेनिज्म देखें। इसकी संभावित क्रियाविधि होगी, क्लोरीन जो है फोटोन का अवशोषण करेगी और फोटोन का अवशोषण करके क्लोरीन परमाणु में विघटित हो जाती है। ये एक्टिवेटेड क्लोरीन परमाणु ओजोन से अभिक्रिया करते हैं किसी कण एक्स की उपस्थिति में और Cl3 एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ये Cl3 एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जो कंटेनर है, रिएक्शन कंटेनर है, उसकी वॉल से अवशोषित हो जाते हैं और दो Cl3 एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स आपस में अभिक्रिया करके Cl2O6 बना लेते हैं। इसी तरह से दो Cl3 मॉलिक्यूल आपस में अभिक्रिया करके क्लोरीन और ऑक्सीजन भी बना सकते हैं। तो इस तरह से जो एक्टिवेटेड Cl3 मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में अभिक्रिया करके Cl2O6, Cl2 और O2 बनाते हैं। तो इस तरह से क्लोरीन द्वारा ओजोन का ऑक्सीजन में विघटन हो जाता है। इसके अतिरिक्त गैसीय प्रावस्था में जो Cl3 मॉलिक्यूल है वो Cl3 मॉलिक्यूल, एक्टिवेटेड Cl3 मॉलिक्यूल ओजोन से अभिक्रिया करके Cl2 बना लेगा और ऑक्सीजन मुक्त करेगा। इसी तरह से जो Cl2 मॉलिक्यूल बना वो Cl2 मॉलिक्यूल पुनः ओजोन से अभिक्रिया करके Cl3 मॉलिक्यूल बना लेता है और ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो इस तरह से हमें वापस Cl3 मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि O3 का O2 में विघटन हो जाता है। दूसरी तरह की हम फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन देखें वो है ब्रोमीन द्वारा प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया है। यहाँ ब्रोमीन जो है फोटोसेंसिटाइजर की तरह वर्क करता है। एग्जांपल लें हम मैलाइक एसिड का फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्जन। ब्रोमीन जो है फोटोन का एब्जॉर्प्शन करके मैलाइक अम्ल से अभिक्रिया करेगा और मैलाइक अम्ल को फ्यूमेरिक अम्ल में परिवर्तित कर देगा। जो मैलाइक अम्ल है वो सिस फॉर्म होती है और फ्यूमेरिक अम्ल ट्रांसफॉर्म होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिस फॉर्म को ट्रांसफॉर्म में परिवर्तित कर देता है। कुछ अभिक्रियाएं हम देखें जो कैडमियम द्वारा फोटोसेंसिटाइज्ड होती हैं। यहाँ कैडमियम वाष्प जो है वो फोटोसेंसिटाइजर की तरह वर्क करती है। कैडमियम फोटोन का एब्जॉर्प्शन करता है और एक्टिवेटेड हो जाता है, यानी CD जो है फोटोन का एब्जॉर्प्शन करके CD* में कन्वर्ट हो जाएगा। ये CD* एथिलीन से अभिक्रिया करके पॉलीएथिलीन बना लेता है। तो एथिलीन से पॉलीएथिलीन बनाने की अभिक्रिया में कैडमियम जो है फोटोसेंसिटाइजर की तरह वर्क करता है। इसी तरह से कैडमियम, एक्टिवेटेड कैडमियम की प्रेजेंस में C2H6 एथीन जो है वो एथीन में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात इथेन का डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है, विहाइड्रोजनीकरण होकर एथीन बन जाता है।
और अगर हम एक्टिवेटेड फोटोसेंसिटाइज कैडमियम की रिएक्शन देखें तो प्रोपेन जो है वो फोटोसेंसिटाइज कैडमियम की प्रेजेंस में मिथेन और एथीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कैडमियम द्वारा फोटोसेंसिटाइज रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट हम ले ओजोन का, ओ सॉरी, अमोनिया का विघटन। अमोनिया का जो विघटन है वो HNS3 का जो विघटन है वो N2 और H2 में हो जाता है। ठीक है, तो अमोनिया के विघटन में हम ये कहें कि हम अमोनिया के विघटन में मरकरी जो है वो फोटोसेंसिटाइजर की वर्क करता है, यानी H𝛎 या फोटोन को मरकरी एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फोटोसेंसिटाइज Hg* में। फोटोसेंसिटाइजर यानी हम एक्टिवेटेड Hg को, हम उत्तेजित Hg के परमाणु को हम Hg* से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये H𝛎 यानी फोटोन का एब्जॉर्शन करके Hg* में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये Hg* जो है फोटोसेंसिटाइज मरकरी जो है वो NH3 से अभिक्रिया करके अपनी एनर्जी NH3 को ट्रांसफ़र कर देगा। अब NH3 जो है वो एक्टिवेटेड हो गया। ये एक्टिवेटेड NH3 जो है ये विघटित होगा NH2 और H में। दो NH2 के मॉलिक्यूल आपस में अभिक्रिया करके N2H4 बना लेते हैं। इस तरह से जो NH3 के विघटन से NH2 से H परमाणु हमें मिला, वो H परमाणु आपस में अभिक्रिया करके H2 बना लेते हैं, H2 अणु बना लेते हैं। और दो NH2 के मॉलिक्यूल भी आपस में अभिक्रिया करके N2 और H2 बना लेते हैं। तो इस तरह से हम टोटल रिएक्शन में देखें तो NH3 का विघटन किस में हो जाता है, N2 और H2 में। किसकी प्रेजेंस में? मरकरी की प्रेजेंस में। यह मरकरी फोटोसेंसिटाइज की तरह काम करता है। इस अभिक्रिया की क्वांटम यील्ड 7 होती है, 7 होती है, और जो लाइट है वो 2537 एंगस्ट्रॉम की होती है। अब हम ठोस प्रावस्था में प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाएं देखें, फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन इन सॉलिड फेज। इसमें हम एग्जांपल लें सिल्वर ब्रोमाइड का Ag और Br में अपघटन। फोटोग्राफिक प्लेट पर हम सिल्वर ब्रोमाइड का लेप करते हैं, यानी एक ग्लास प्लेट होती है जिस पर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप करके हम फोटोग्राफिक फिल्म या फोटोग्राफिक प्लेट बनाते हैं। इस फोटोग्राफिक प्लेट को हम लाल, रेड या येलो लाइट में रखते हैं तो फोटोग्राफिक प्लेट बहुत अधिक प्रभावित नहीं होती है। लेकिन यदि हम जो AgBr का इमल्शन बनाते हैं उसमें एक फोटो सेंसिटाइज रेड डाइज मिला दें, तो यह फोटो सेंसिटाइज रेड डाइज क्या होगी, फोटोन का एब्जॉर्प्शन करके एक्टिवेटेड हो जाएगी और अपना जो एक्टिवेटेड डाइज जो है, रेड डाइज जो है, वो अपनी एनर्जी Ag को ट्रांसफ़र कर देगी और AgBr को ट्रांसफ़र कर देगी, जिससे AgBr का विघटन Ag और Br में हो जाता है, जिससे हमें फोटोग्राफिक प्लेट पर इमेज मिलती है। नेक्स्ट ले हम फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन इन सॉल्यूशन, विलयन में प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाएं। विलयन में भी फोटोसेंसिटाइज रिएक्शंस होती हैं। जैसे हम एग्जांपल लें ऑक्जेलिक अम्ल का विघटन। ऑक्जेलिक अम्ल का विघटन कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और जल में हो जाता है। इसके लिए जो फोटोसेंसिटाइजर है वो यूरेनाइल आयन होते हैं। यूरेनाइल आयन जो है UO2+, ये क्या करते हैं, UO22+ फोटोन का एब्जॉर्प्शन करके एक्टिवेटेड यूरेनाइल आयन बना लेते हैं। ये एक्टिवेटेड यूरेनाइल आयन ओजोन ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन करते हैं और ऑक्जेलिक एसिड को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं। यह ऑक्जेलिक एसिड CO2 और H2 और कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो यह ऑक्जेलिक एसिड का विलयन में अपघटन कहलाता है। फार्मिक अम्ल का अपघटन भी हम यूरेनाइल आयन द्वारा कर सकते हैं। इसमें यूरेनाइल आयन फोटोसेंसिटाइजर की तरह बिहेव करता है।
प्रकृति में भी फोटोसेंसिटाइज रिएक्शंस होती हैं, जिसका हम एग्जांपल देखें फोटोसिंथेसिस। जो पादप हैं उनकी पत्ती और कुछ पादपों के तनों में क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी जो पादप की पत्तियां हरा भाग होता है या कुछ पादपों के तने भी हरे होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो है फोटोसेंसिटाइजर की तरह वर्क करता है। प्रकाश की उपस्थिति में जो पादप हैं वो फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। फोटोसिंथेसिस में पादप कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्रहण करके उसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो यह फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है और प्रकाश की उपस्थिति में होती है। क्लोरोफिल जो है प्रकाश की उपस्थिति में फोटोन का एब्जॉर्प्शन करके एक्टिवेटेड क्लोरोफिल बनाता है। यह एक्टिवेटेड क्लोरोफिल वातावरण से CO2 और H2O को लेकर उसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो ये जो रिएक्शन है ये फोटोसेंसिटाइज रिएक्शंस कहलाती है, जिसमें क्लोरोफिल फोटोसेंसिटाइजर की तरह वर्क करता है। तो इस तरह से प्रकृति में भी फोटोसेंसिटाइज रिएक्शंस होती हैं। थैंक यू।